अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शेवपुरी की रेसिपी। शेवपुरी जो हम ठेले वालों पास बाजार में खाते हैं, वही शेवपुरी को आज हम घर पर बनाएंगे। आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। शेवपुरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े प्याज को बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैं एक कटोरी सेव लिया है, इमली की खट्टी मीठी चटनी, पुदीने की हरी चटनी। हरी चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक टेबलस्पून चाट मसाला, एक टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, एक टीस्पून काला नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक कटोरी मैंने यहाँ पर रगड़ा लिया है। मैंने रगड़े में पीला बटाना और पोटैटो को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया। हल्दी और नमक भी इसमें ऐड कर लिया है। रगड़े की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर पूरी को तल लिया है। पूरी को हम इस तरह से बीचों बीच से होल करेंगे। ये देखिए, मैंने इसी तरह से सारे पूरियों में होल बना लिया है। अब हम पहले इसमें रगड़ा डालेंगे। अब डालेंगे हम टोमेटो, प्याज डालेंगे, अब डालेंगे हम हरी चटनी, अब हम डालेंगे खट्टी मीठी चटनी, अब हम चुटकी भर चाट मसाले को डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर उसे भी हम इस पर डाल देंगे, एक चुटकी काला नमक उसे भी डाल लेंगे। अब हम और एक बार रगड़ा को डालेंगे। अब हम हरे धनिया को डालेंगे। आखिर में डालेंगे हम सेव। ये देखिए, हमारी शेवपुरी बनकर तैयार है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाली, हम बाजार में जो खाते हैं उसी टेस्ट की हमने यहाँ पर घर पर बना लिया है। आप भी एक बार जरूर बनाएं अपने घर पर। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए।